इससे अच्छा बूस्ट मिलेगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी कुदरत की देन है, इस एरिया में इतनी अच्छी क्लाइमेट है, इतनी अच्छी साइट सीइंग है, तो इसमें हमारा टूरिस्ट जो एक दो साल से हमारा जहाँ ठप पड़ा था, और भद्रवाह में ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ है जो अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि कोरोना थोड़ा डिक्लाइन पे है, हालांकि हम सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, मास्क के साथ रहते हैं, सोशल डिस्टेंसेस का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे एरिया में टूरिज्म पे बड़ी निर्भर करती है, और उससे काफ़ी लॉस हुआ है हमारे लोगों का और इस एरिया का, उस चीज़ को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स आपको एरिया को पब्लिसाइज़ करते हैं, और इतनी खूबसूरती है जो लोगों को पता लगनी चाहिए, बाहर वाले लोगों को, और उनको हम इन्वाइट करते हैं भद्रवाह में आने के लिए। आने वाले दिनों में और अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ये काम करेगी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम हम सभी स्टेक होल्डर्स, जिस जिसका जैसा भी रोल है, चाहे वो PRIs हो, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मीडिया हो, हम सबका एक अपना अपना एक रोल है, हम उसको बड़े अच्छे से अंजाम देंगे। आने वाले दिनों में इसको इंटरनेशनल मैप पे भी लाया जाएगा। बड़े लोग फॉरेन टूरिस्ट पास में आते थे, दो साल से एक्टिविटीज़ क्योंकि ऑल ओवर बंद हो गए, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे जिस तरह के भी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और इसको इम्प्रूव में हमारी कोशिश वो जारी रहेगी। सर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, रात को यहाँ पर एक बंदा जो अनकॉन्शियस था कुछ दिनों से, बर्फ़ में जो है फॉरेस्ट ऑफिसर को मिला है, तो उसको अभी जो सेफली भद्रवाह तक पहुँचाया गया है, तो क्या समझते हैं आप फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिशियल्स के इस काम को, आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे हर डिपार्टमेंट हो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि अच्छे तरीके से काम करने के, फॉरेस्ट हमारा, क्योंकि आपका डोडा ज़िला में फॉरेस्ट 50% से ऊपर हमारा फॉरेस्ट एरिया है, तो हमारी पहली कमिटमेंट यही है कि फॉरेस्ट को सेव करना, और उनके जो ऑफिसर्स हैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने पीछे देखी है सभी अटैम्प्ट फॉरेस्ट को डिक्लाइन करने की कोशिश हो रही है, उन सबको करते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये ह्यूमन एलिमेंट हर ऑफिसर में होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ ही है, इस तरह क्योंकि वेदर मौसम बड़ा ख़राब है, इस तरह के लोग अगर बाहर निकल जाते हैं तो ऐसी चीज़ है, ये जो एफर्ट उन्होंने किया है काबिले तारीफ है, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और इस तरह का जज्बा हर डिपार्टमेंट हर इंडिविजुअल में होना चाहिए। Shagun Manhas, I am a student of Atkar Rupik Higher Secondary School. Today we are here for this winter carnival, and I would like to say that this is a great opportunity for all of us students and all of other audience that have come here, because the exposure that we got here is something that would lead us to display all of our talent to the full extent, and this is a great opportunity for all of us, because after so many years we are here gathered for such a big event, and after the pandemic it's one of the biggest festivals I guess in Bhadava organized here, and this is a great opportunity for all the students, and we are very happy and we are very excited to be here. पेश हुई बहुत अच्छा लगा, तो ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए जोरदार ताली आ जाए बैंड ऑफ बजरा के लिए। आराम आराम से कस ना पार कब ब्रोट ना यूता बहनी तुझा मीडिया के आप भाई जो यहाँ पर बहुत ही दिक्कत में बड़ी मुश्किल में यहाँ पर पहुँचे होंगे, और इस ठंड में आप इस
प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं अपने दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप अपनी ड्यूटीज़ को सरंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आपने देखा कि सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, इसको यहाँ पर मैनेज किया गया, और यहाँ पर जो हमारे BDA भद्रवा, CO 4RR, महकमा इंजीनियरिंग माउंटेनरिंग, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लोकल स्टेक होल्डर्स, हमारे गुज्जर बकरवाल, यहाँ पर गद्दी से भी लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन सब ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं। तो आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो हमारी जाई वैली है, तो ये पूरे हमारे जम्मू प्रोविंस में ये केवल मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने देखा कि बर्फ़ के क्या नज़ारे हैं। अभी आप देखो कि बाकी जगहों से जो है बर्फ़ ख़त्म हो गई है, विंटर ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी लगता है कि अभी अभी बर्फ़बारी जो ख़त्म हुई है, और पूरे सब्ज़ ये जो आपको सफ़ेद मैदान जो है बर्फ़ के दिख रहे हैं, और बच्चे और नौजवान बच्चियाँ इसको एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ विंटर स्पोर्ट्स की यहाँ पर होने जा रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे बच्चे जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं सरकार का बहुत ही मशकूर हूँ आदरणीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर UT के जो हैं मनोज सिन्हा जी, कि उन्होंने ऐसे जैसे प्रोग्रामों को यहाँ पर होने के लिए सरकार को हदायतें दी हैं। आने वाले समय में जब ये मौसम बहार यहाँ पर शुरू होता है, तो उसके बाद लगातार यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहें। यहाँ पर दुनिया में जब गर्मी पड़ती है तो लोग ऐसी जैसी जगहों को प्रेफर करते हैं, और जाई अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 12 महीने यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी जो है देने की बात हो रही है। यहाँ पर सड़क बहुत अच्छा है, यहाँ पर और कुछ चीज़ें यहाँ पर सरकार कर रही है, यहाँ पर बैठने के लिए अरेंजमेंट्स कुछ एक यहाँ पर हुए हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी जो है उसकी। मिस्टर धनंतर सिंह कोतवाल, डिप्टी कमिश्नर डोडा, मिस्टर विकास शर्मा, SSP अब्दुल कयूम साहब, कंजर्वेटर फॉरेस्ट, ADC, CEO BDA,